नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन, मैं हूं हर्षदा सावंत। और भारतीय बाजारों में एक और मजबूत शुरुआत देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत एक बेहद मजबूत नोट पर 18562 का हाई छूने के बाद 18557 के आसपास आपको निफ्टी कारोबार करता दिखाई देगा। और ये ऐसे दिन हुआ है जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ी है, खासतौर से एशिया में। चीन में नो कोविड पॉलिसी के खिलाफ भारी प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 4 राज्यों में यह हुआ जिसमें बीजिंग, शंघाई, चेंगदू, वुहान जैसे इलाके शामिल थे। और वहां की सरकार के खिलाफ, उनकी नो कोविड पॉलिसी के खिलाफ या जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ वो प्रदर्शन हो रहे थे। इसी के चलते हमने देखा एक नेगेटिव नोट पर एशियाई मार्केट खुले, चाहे वो निकेई हो, हांगकांग के बाजार हो, वहां पर बिकवाली के साथ कारोबार देखने को मिला। और भारतीय बाजारों के लिए ये एक सेंटिमेंट नेगेटिव था, लेकिन थोड़ी सी फ्लैट शुरुआत के बाद अब चाल बाजार की मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया विक्स आपके सामने 14 के नीचे 18554 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड। इनफैक्ट आपके लेकर आते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो आपको बेसिकली तस्वीर और भी साफ होती दिखाई देगी कि मिड कैप्स के हवाले दरअसल ये तेजी है। इंडेक्स थोड़ा सा शांत जरूर है, लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिला है। तो इस तरह के शुरुआती दिन में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए और पूरा हफ्ता कैसे पैन आउट करेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस हफ्ते के 3 नए खिलाड़ी, आज एंजल वन के समित चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तेजी का माहौल है, लेकिन कोई खास सेक्टर जो आपने आइडेंटिफाई किया है, मिड वर्सेस बिग बॉयज, ज्यादा फोकस कहाँ रखे? जी हाँ, बायस तो डेफिनेटली तेजी की तरफ ही है। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा ही दूर बाकी है नया लाइट बाइक बनाने के लिए। और अगर हम लोग देखें सारे टाइम फ्रेम में निफ्टी में पॉजिटिविटी बरकरार है, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो मेनली बिग बॉयज की ऊपर ही रहेगा, बट सिलेक्ट मिड कैप में मेरा ध्यान रहेगा। ओवरऑल मेरा लॉन्ग साइड में ट्रेड रहेगा। लॉन्ग साइड पर ट्रेड, बिग बॉयज पर भी नजरें रहेंगी, यह है फिलहाल आपकी तरफ से रणनीति। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रूपक, आपने कहा तेजी की तरफ ही फोकस है, पहला ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरा पहला ट्रेड रहेगा एपोलो टायर्स में। स्टॉक ने एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में और अपसाइड में 360 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 300 के नीचे। 300 के नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 360, 360। ओके, 360 के टारगेट के लिए टारगेट की तेजी करें। याद रखिएगा, आज खुलते ही, मार्केट खुलने के साथ ही पहला ट्रेड अपोलो टायर का था, 308 पर खड़ा है, 360 टारगेट है, 300 का स्टॉप लॉस। अमोल, आपकी बारी, आपका ओपनिंग ट्रेड। रूपक, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा आर्टिको में। हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है डेली चार्ट में और कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर, तो शॉर्ट टर्म में आर्टिको ऊपर जा सकता है टुवर्ड्स 61 और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 40 के नीचे। 61 आप कह रहे हैं पहला टारगेट, राइट? और स्टॉप लॉस 41 के नीचे, 51 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये ट्रेड फिलहाल। हुडको में हमने देखा है पिछले हफ्ते से एक अच्छी खासी मोमेंटम, हुडको, एनबीसीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो तेजी पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जानकारों की राय है कि खरीदारी अब भी बनती है। रूपक बताइए, आपने पोलो टायर लिया, फिर हुडको लिया, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के फेज में था, लेकिन अभी आज का दिन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में अभी बुलिस फेज चालू होगा। ऑन द हायर एंड स्टॉक ऊपर जा सकता है 350 तक, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 287 पर, तो 287 का स्टॉप लॉस में लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं 350 का टारगेट के लिए। ओके, तो 350 के टारगेट के लिए यहां पर तेजी की पोजीशन लीजिए, 287 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह है एक और तेजी वाला ट्रेड इस समय जो हमारे जानकारों ने पकड़ा है। तो सभी जो ट्रेड्स आए हैं वो तेजी की तरफ ही आए हैं,
और अब तक जो रुझान है वो मिड कैप्स पर ज्यादा, लेकिन हाँ एक अदानी पोर्ट बिग बॉय भी आया है इस पोर्टफोलियो में। चलिए रिकैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। रूपक ने अभी अभी जोड़ा त्रिवेणी इंजीनियरिंग 350 का टारगेट, 287 स्टॉप लॉस। अपोलो टायर 360 के लिए इन्होंने तेजी की पोजिशन पकड़ी है, 300 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। हुडको में भी एक बाय कॉल है, 61 का टारगेट और 40 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। रिटर्न्स देखिए तो त्रिवेणी ठंडा है, लेकिन अपोलो टायर लगभग इनको 0.86% जोड़कर दे रहा है, वहीं 1% की कमाई करके दे रहा है हुडको भी इनके लिए। फिर अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने, रूपक ने दरअसल एक लीड ली है 1.64% के रिटर्न्स के साथ, ये आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर 0.5% की कमाई कर समित चौहान खड़े हैं एंड 0.3% के रिटर्न्स है अमोल अठावले के। ये है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर वन की, लेकिन याद रखिएगा खेल की बस शुरुआत हुई है, आगे ढेर सारे ट्रेड्स हमारे जानकार आइडेंटिफाई करेंगे तेजी और मंदी की तरफ दोनों, और ऑफ कोर्स आज 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे जो भी बदलाव होगा उसके लिए। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए, इंटरेस्टिंग हफ्ता साबित होता हुआ दिखाई तो दे रहा है आज की ओपनिंग के साथ। नजरें रहेंगी यहां से आगे हम कितनी जल्दी उस हाई की तरफ बढ़ते हैं, फिलहाल 18,563 के लेवल्स पर निफ्टी खड़ा है। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।